जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवच नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त जो खाना बनता है, तो बहुत से घरों में मैंने देखा है, अपनी आँखों से देखा है कि वो पितरों के निमित्त एक पटा भरते हैं। पटा भरना एक परंपरा है, एक परिपाटी भी है कि जो व्यक्ति जा चुका है, स्वर्गवासी हो चुका है, उसकी तस्वीर रखी जाती है, फोटो रखी जाती है, पूजन अर्चन करते हैं, माला चढ़ाते हैं, धूप दीप भी करते हैं, और जो भोजन बनता है वो भोजन की एक थाली उसके सामने रखी जाती है। तो बहुत से लोग गलती उसमें ये करते हैं कि पितरों की पहले थाली नहीं देना चाहिए पितरों के सामने। पितृ पूजन में पितरों को कभी भी सीधे थाली नहीं देनी चाहिए, मतलब उनके सामने थाली नहीं रखनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब भी भोजन बनता है पितरों के निमित्त, तो वो थाली, पहली थाली जो रहती है, वह ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए और उसमें तुलसी पत्र डाल देना चाहिए, और फिर वही थाली प्रसाद स्वरूप पितरों को देना चाहिए। ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। भगवान का प्रसाद ही अर्पण करना चाहिए और भगवान का प्रसाद पितरों को देने से उनको संतुष्टि होती है, इसलिए पितरों को प्रसाद अर्पण करना चाहिए, डायरेक्ट भोजन नहीं देना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और पितृ की शांति के लिए गीता जी का पाठ करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में विष्णु सहस्त्र नाम विशेष तौर से पाठ करना चाहिए। महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इन नामों को अवश्य स्मरण करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि कितना कितना हम जप करें। तो चूंकि अपने पितृ जो जा चुके हैं उनके निमित्त हम उनकी शांति के लिए, कि उनकी मुक्ति हो जाए, उनको मोक्ष मिल जाए, उनका नया जन्म हो जाए, इसके निमित्त कर रहे हैं, तो कम से कम 5-5 माला तो आपको जप करना चाहिए। और विष्णु सहस्त्र नाम दिन में 3 बार बोलना चाहिए या सुन लेना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य के पास में ये पंच तत्वों से मिला हुआ भौतिक शरीर है, और इस शरीर को जब तक शरीर में ताकत होती है तब तक इस संबंध में जो शास्त्र की आज्ञा है उसका निर्वाह करना चाहिए। और शास्त्र ये कहता है कि यदि आप नहीं कर सकते हो, कोई पाठ संस्कृत नहीं आती है, तो हिंदी में पाठ कर लें, और हिंदी में भी पाठ नहीं कर सकते क्योंकि समय नहीं है या मन नहीं लगता है, तो आप किसी ब्राह्मण से वरण करके उससे पाठ करवा सकते हैं, और उनको दक्षिणा दे करके इस पाठ का पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर सकते हो। तो 2 बातें यहाँ पे ध्यान रखें कि पितरों को सीधे भोजन बना हुआ थाली प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, और दूसरा ये है कि पितरों को श्री हरि विष्णु जी के विशेष मंत्र वो अवश्य सुनाना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, ओम पितृदेवाय नमो नमः।